नमस्कार दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है। तो आज के सेशन में हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड था वो 1000 बीसी टू 600 बीसी थे। प्रीवियस क्लास में हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो था अर्ली लेटर वैदिक पीरियड, आगे जो 600 अराउंड 600 के आसपास दुआब रीजन से जो है ईस्टर्न यूपी और द नॉर्दर्न बिहार तक जो है फैल गया था। इसे जो है सेकेंड फेज ऑफ दी एक्सपेंशन ऑफ भी बोला जाता है, क्योंकि आयरन के वेपन्स बना लिए थे और साथ ही साथ जो है घोड़ों से चलने वाले रथ भी बना लिए थे। आयरन के वेपन से एक तो वॉर लड़ने में इजी हो गया, और दूसरा जो था वो फॉरेस्ट क्लियर करने में भी आसानी हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे हम ग्रे पेंटेड वेयर्स, यानी कि इस टाइम में गंगेटिक वैली रीजन में हमें काफी सारे जो ग्रे पेंटेड वेयर्स भी हैं, यानी कि पेंट किए हुए जो बर्तन मिलते हैं हमें कहाँ कहाँ से हमें फाउंड हुआ, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। और इसी टाइम पीरियड में जो है आयरन आयरन फेस भी जो है बेल्को होता है, जो कि हमें फाउंड होता है पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से। ये अराउंड 1000 बीसी के आसपास मिला। आयरन के साथ साथ इन्होंने जो है वेपन्स बना लिए और साथ ही साथ दुश्मन को हराने में भी और फॉरेस्ट क्लियर करने से जो है इनका एक्सपेंशन और भी बढ़ गया। आयरन का जो यूज था वो एरो हेड और स्पेयर हेड, यानी कि उत्तर प्रदेश अराउंड 800 बीसी के आसपास जो है शुरू हो गया था, और आयरन स्प्रेड होता है ईस्टर्न यूपी, विदेहा, नॉर्थन बिहार 600 बीसी के आसपास। उसके बाद लेटर वैदिक टेक्सिस में जो है आयरन के लिए श्यामा और कृष्ण अयस्क जैसी टर्मिनोलॉजी जो है यूज की गई है। नेक्स्ट वन एग्रीकल्चर इन दी लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में जो एग्रीकल्चर थी वो लाइवलीहुड का मेन साधन हो गई, और साथ ही साथ जो वुडन फ्लोर स्पेयर था, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये वुडन फ्लोर स्पेयर है, और जिससे कि क्या करते थे, जो खेती करना और भी आसान हो गया। जैसे कि सतपथा जो ब्राह्मण था ग्रंथ है वो फ्लोइंग रिचुअल्स के बारे में बताता है, और किंग और प्रिंसेस जो थे वो मैनुअल लेबर का यूज करना शुरू कर दिया, और जो राइस थे वो रिकमेंड किए जाते थे रिचुअल्स के लिए, पूजा पाठ वगैरह में यूज किए जाते थे, बट नॉट व्हीट, जो गेहूं है उसका यूज नहीं किया जाता था। नेक्स्ट वन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखेंगे कि उनका प्रशासनिक कैसा कैसा था। लेटर वैदिक पीरियड में जो स्टेट थे वो फॉर्मेशन होना शुरू हो गए, और साथ ही साथ जो लार्जेस्ट किंगडम थे उनका भी डेवलपमेंट शुरू हो गया, और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस जो है वो देखने में सामने आए, और जो विधिता थी जिसमें कि वोमेन जो है पार्टिसिपेट करती थी उसको भी क्या कर दिया गया, डिसअपियर कर दिया गया। और साथ ही साथ जो सभा और समिति का डोमिनेटेड था वो राजा के द्वारा या फिर नोबल्स के द्वारा डोमिनेटेड किया जाना शुरू कर दिया, और किंग जो है मोर पावरफुल हो गए और उन्होंने अपनी जो टेरिटरी थी उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, और जो सर्वाइवल ट्राइबल थी उनको किंग के द्वारा रूल किया जाता था, और डोमिनेटेड जो ट्राइब होती थी वो एक किंगडम में डिवाइड होगी। और साथ ही साथ जैसे कि एक राष्ट्र या फिर टेरिटरी भी जो है इसी टाइम में अपेयर होकर सामने आती है। उसके बाद पोजीशन थी किंग की, उसको हेरिडेटरी कर दिया गया, यानी कि राजा का बेटा अब राजा ही बनेगा, और राजा जो है वो अपनी पोजीशन को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए रासुए यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ जैसे जो है रिचुअल्स को परफॉर्म करना शुरू कर दिए। राजसूय यज्ञ जो होता था वो राजा की इंटरनल शक्ति बढ़ाने के लिए यूज किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ यानी कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था, जहां तक घोड़ा चला जाता ठीक है वहां तक जो टेरिटरी थी वो राजा की हो जाती, अगर कोई बीच में उस घोड़े को पकड़ लेता उसको जो है राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। और उसके बाद जो बाली था, जो टैक्स था, उसको परमानेंट नेचर का बना दिया गया, और वोमेन को भी अलाउ नहीं किया गया सभा और समिति में, और साथ ही साथ जो किंग था वो स्ट्रॉन्ग हो गया रिचुअल से, और जनास चेंज हो गए इंटू दी जनपदा और महाजनपदास में। वर्णा सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में जो वर्णा सिस्टम था वो फोर वर्णा से, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, ये जो है वर्णा
वर्ना सिस्टम अकॉर्डिंग टू बर्थ कर दिया गया। पहले क्या था, यानी कि ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग था या फिर वर्क के अकॉर्डिंग था। अब जो बना दिया गया था वो किसके अकॉर्डिंग बना दिया गया, बर्थ के अकॉर्डिंग बना दिया गया, यानी कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया वो टीचर ही बनेगा। और साथ ही साथ जो त्रिवर्णा से, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्या और वैश्यास, अपना उनको एक रिस्पेक्टफुल जो है स्टेटस दिया जाता था सोसाइटी में, और जो शूद्रास थे उनको काफी चीजें जो है प्रिविलेज नहीं दी जाती थी और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी जाता था। और तीन जो वर्ण थे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यास, उनको उपनयन संस्कार का भी अधिकार था, बल्कि दूसरे को जो शूद्रास थे उनको कोई ऐसा अधिकार नहीं था। और जो पैट्रियार्कर थी वो सोसाइटी जो है पैट्रियार्कर होगी, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो फादर से जो है बड़े बेटे के नाम हो जाती थी। और जो वुमेन की कंडीशन थी उनको भी क्या कर दिया गया, लोअर पोजीशन कर दिया गया। और साथ ही साथ जो गोत्रा सिस्टम थे उनको भी क्या कर दिया गया, जो गोत्रा सिस्टम था उसको भी और बढ़ा दिया गया। और साथ ही साथ अगर कोई पर्सन सेम गोत्र से है तो वो सेम गोत्र में जो है शादी नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो फोर स्टेज ऑफ द लाइफ थे वो आश्रम स्टेज थे, यानी कि जो लाइफ में बताए गए थे वो थे जैसे कि ब्रह्मचर्या जो कि स्टूडेंट, उसके बाद गृहस्थ आश्रम हाउस होल्डर, उसके बाद बानप्रस्थ यानी कि पैट्रियार्कल रिटायरमेंट, उसके बाद संन्यास आश्रम यानी कि कंप्लीट रिटायरमेंट। ये जो है पहले जो एज मानी जाती थी वो 100 ईयर की मानी जाती थी, यानी कि 0 से लेके 25 ईयर तक उसे बोला जाता था ब्रह्मचर्या, 25 टू 50 तक उसको बोला जाता था गृहस्थ आश्रम, और 50 to 75 उसको बोला जाता था वानप्रस्थ आश्रम, और 75 to 100 तक जो बोला जाता था उसे तो जो है संन्यास आश्रम में जीवन व्यतीत करना होता था। तो मुझे यहाँ पर एक स्टोरी याद आती है, ठीक है, यानी कि जो शूद्रास की कंडीशन थी और वोमेन की कंडीशन थी वो बहुत जो है नीचे चली गई, यानी कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन जो है शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि यहाँ पर किसी शूद्र कम्युनिटी का आदमी का घर है और यहाँ पर उसके खेत हैं, फील्ड है, और यहाँ रास्ते में एक क्या पड़ता है, टेम्पल पड़ता है। अब मान लीजिए कि उसको यहाँ से एक उसके खेत को रास्ता जा रहा है जो कि उसको पड़ता है 500 मीटर, बट वो इस रास्ते का यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो एक शूद्र कम्युनिटी से, क्योंकि टेम्पल एंट्री जो है बैन कर दी गई थी। उसको एक मंदिर से पीछे से जो रास्ता जा रहा है जो कि 5 किलोमीटर पड़ता है उसका वो यूज करेगा। मान लीजिए कि कल को खेत में फसल पक गई, ठीक है, और उस फसल को काटना है, ठीक है, और यहाँ से उसको घर में लेकर आना है, तो बट वो यहीं तक आ पाएगा। और उसके बाद एक मंदिर का आदमी आएगा, बोलेगा कि तू भाई इस रास्ते का यूज आगे नहीं करेगा, आप जो है आपकी बैलगाड़ी हम निकाल देते हैं यहाँ से, और आपको जो है इसी रास्ते से अपने घर में वापस आना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि एक ह्यूमन से ज्यादा, एक आदमी से ज्यादा एक बुल की कीमत ज्यादा होती है, ठीक है। संस्कृत में एक उक्ति है, अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि जब किसी चीज की अति हो जाती है तो अंत उसका स्वाभाविक है। जैसे कि गीता में भी बोला गया है कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्यम तदात्मानम सृजाम्यहम्, यानी कि जैसे जैसे जो है धर्म बढ़ेगा और धर्म की हानि होगी तो मैं किसी ना किसी रूप में जन्म लेता रहूंगा। तो जब धरती पर इतना न्याय बढ़ गया तो इंडियन टेरिटरी पर यहाँ पे दो धर्मों का रीजन होता है जिसको कि हम जानते हैं जैनिज्म के नाम से और बुद्धिज्म के नाम से। तो नेक्स्ट सेशन हमारा जो रहेगा वो जैनिज्म के ऊपर और बुद्धिज्म के ऊपर रहेगा। आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन की PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो जिसका की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।